Ethical issues in psychotherapy are another important topic. The first one is the in informed consent to therapy. Like informed consent is important in all the situations before going to assessment, before going to any intervention. So similarly, it is important in term of therapy as well. When obtaining informed consent to the therapy, psychologists should inform client as early as possible. और जनरली इस पर वही रूल्स अप्लाई होते हैं जो असेसमेंट में और इंटरवेंशन पे अप्लाई होते हैं लाइक like, उनको क्या बताना जरूरी है द नेचर एंड कोर्स ऑफ थेरेपी द फी विच इज इन्वॉल्व इन थेरेपी द इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पार्टी इफ एनी द लिमिट्स टू कॉन्फिडेंशी एंड आंसर्स टू एनी रिलेटेड क्वेश्चन अबाउट थेरेपी तो दीज आर दिंग्स नीड टू बी बीफॉर्म टू द क्लाइंट्स बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द थेरापटिक रिलेशनशिप

ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स दैन ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स इफ़ अवेलेबल अगर कुछ भी उसके अलावा ऑल्टरनेट हो सकता है तो वट दैट कुड बी पॉसिबली दैट शुड बी इन्फॉर्म टू द क्लाइंट एज सुन एज पॉसिबल दैन वॉल्ट्री नेचर ऑफ देयर पार्टिसिपेशन सो यू नो ये सारी बातें तकरीबन एक इन्फॉर्म कंसेंट के बेसिक रिक्वजिट हैं और जहाँ पर भी हमने अप्लाई करने होंगे इन सब को हमें अपने जहन में रखना जरूरी होगा

so the factual information should be given. when comes towards the group therapy, psychologists provide several people therapy in a group setting uh, where they describe the outset, the responsibilities and roles of all parties and the limits to confidentiality. the limits to confidentiality hereby are very important uh, to be mentioned in group therapy. ग्रुप के साथ काम कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी कॉन्फिडेंशियलिटी तो वैसे ही जो है वो आ, ब्रीच हो जाती है या वो अंडरमाइन होती है बट इम्पॉर्टेंट ये होता है कि ग्रुप थेरेपी हम किन सेटिंग्स में दे रहे हैं ग्रुप थेरेपी देने के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट सिचुएशन या हैं जहाँ वो बेनिफिशियल होगी वहाँ पर कॉन्फिडेंशालिटी का मैटर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा जितना उनको ग्रुप थेरेपी का बेनिफिट होगा तो अभी हम उसकी भी बात करेंगे लेकिन ग्रुप थेरेपी में भी हम इंडिविजुअल्स को इन चीज़ों के बारे में पहले से इंफॉर्म कर देते हैं देन साइकोथेरापिस्ट मे ट्रीट अनरी रिलेटेड क्लाइंट्स इन अ ग्रुप फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजन्स ग्रुप थेरेपी कहाँ पर यूजफुल हो सकती है जहाँ पर लोगों के सिमिलर प्रॉब्लम्स होते हैं फॉर इंस्टेंस हम बात करते हैं रिसेंटली हॉस्पिटलाइज्ड मेंटल पेशेंट्स अब बहुत ज़्यादा नंबर है हॉस्पिटल uh, सेटिंग uh, के अंदर जो वहाँ पर लोग आए हैं अभी वो नए हैं दे आर नॉट एकटाइज टू दिचुएशन उनको एक ग्रुप साइकोथेरेपी में हेल्प की जा सकती है फॉर देर एडजस्टमेंट प्रॉब्लम इन दैट स्पेसिफिक सेंटर देन डाइवोर्स मेल्स एंड फीमेल्स उनके इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस जो भी होंगे बट हाउ दे हैव टू कोप अप विद द करंट सिचुएशन आफ्टर बीइंग डाइवोर्स वो उनको एक ग्रुप में इंफॉर्म uh, किया जा सकता है उनको ट्रेन किया जा सकता है उनके साथ डिस्कस किया जा सकता है एंड डैट कैन हेल्प देम कि वो अपने जैसे लोगों के साथ बैठ कर, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं या उनके जो इश्यूज़ अगर वो शेयर करते हैं तो उनसे भी वो बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं दैन कार्डियक रिहैबिलिटेशन पेशेंट्स एंड चिल्ड्रन विद हैंडी कैप एट्सट्रा कुड बी मेनी स्पेशल पॉपुलेशन जैसे एक ओल्ड होम के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं जो डिप्रेशन का शिकार है उनकी ग्रुप थेरेपी की जा सकती है इसी तरह पोस्ट नेटल डिप्रेशन के बाद जो मदर्स जो हैं वो रिकवर करके नॉर्मल लाइफ की तरफ आ रही हैं उनके भी इसी तरह से ग्रुप्स में थेरेपी दी जा सकती है ताकि वो एक दूसरे से सपोर्ट भी सीख कर सकें और एक दूसरे के साथ अपने प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर सकें और एक बेहतर फुली फंक्शनिंग ह्यूमन बीइंग जो है वो बन सकें